हेलो फ्रेंड्स दिस इज तनवी पाहुजा वेलकमिंग यू ऑल टू आर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज। सो वी वर डीलिंग विथ एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी आज हम देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या वो तरीके थे कि उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया तो पहला तरीका वॉज वॉर जो हम अभी अपने लेक्चर्स में इतने दिन से पढ़ रहे हैं वो वॉर ट्रीटी वॉर एंड देन ट्रीटी किन किन स्टेट्स को हमने देखा किन किन स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने वॉर करके कंसोलिडेट किया एक्सपांड किया बंगाल मैसूर मराठा और सिख तो एक ये तरीका था दूसरा तरीका था वाज डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी सोच बूझ से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मतलब किसी ना किसी प्रकार का लॉ पास कर, कर उस स्टेट को अपने एम्पायर में इन्वॉल्व कर लेना ये तरीके थे उनके डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ जो थी उनको हम आज देखने वाले हैं दैट वाज रिंग फेंस पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन वॉर्स को देख रहे थे तो कई बार इन पॉलिसीज का भी नाम आया तो आज हम थरोली देख लेते हैं कि ये पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स की थी क्या रिंग फेंस पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फर्स्ट वॉर्स रिंग फेंस पॉलिसी किसने स्टार्ट करी थी ये पॉलिसी वेरन हेस्टिंग्स ने वेरन हेस्टिंग्स जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे कब 1773 में इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत की थी इसको हिंदी में हम घेरे की नीति के नाम से जानते हैं इसके घेरे की नीति से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता होगा इसमें क्या होता है एक बफर जोन क्रिएट होता है मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पर कोई दूसरा स्टेट रूल कर रहा है ये ब्रिटिशर्स हैं तो ये बीच में जो स्टेट है इसको बफर स्टेट बना लिया जाएगा मतलब बफर स्टेट बना लिया इससे इसको आगे करके बचते थे ब्रिटिशर्स किस तरीके से हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेबर फ्रंटायर फॉर सेफ गार्डिंग देयर ओन टेरिटरी इस पॉइंट को याद रखिएगा ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे अपने नेबर के डिफेंस को मतलब अपने नेबर की आर्मी को संभालते थे क्यों संभालते थे ताकि वो अपने एम्पायर को सेव कर पाए जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए ये बंगाल है बंगाल में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और ये जो है वो है अवध तो अवध में उनने क्या करा उन्होंने अपनी आर्मी स्टेशन करी और, और बोला कि आप ही इसका खर्चा बताइए मतलब एक अवध को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया कि अब आप हमारे प्रोटेक्शन में हैं हमारी आर्मी रहेगी इससे क्या होगा आपके भी एम्पायर पे कोई खतरा नहीं होगा और हमारे एम्पायर पे भी कोई खतरा नहीं होगा हालांकि उनको अपने नेबरिंग स्टेट को सेव करने से कोई मतलब नहीं था पर वो अपने एम्पायर को सेव करना चाहते थे तो आपको समझ में आया वो क्या करते थे अपने स्टेट के आसपास जो भी नेबरिंग स्टेट्स थे उनको अपना प्रोटेक्टोरेट बना लेते थे उनमें अपना डिफेंस स्टैब्लिश करते थे ताकि उन तक पहुंचने में उनके एनिमीज को टाइम लगे या बीच में एक बफर स्टेट आ जाए ओके तो ऐसा उनने कहा करा अवध में किया मैसूर में भी किया जब जब वो मैसूर को अटैक करने वाले थे तो उन्होंने किसके साथ फ्रेंडशिप करी हैदराबाद कार्नेटिक, तो इनको ये क्या करते थे बफर स्टेट बना लेते थे इनको अपना प्रोटेक्टोरेट बना लेते थे कि अगर हम पे कोई भी अटैक करता है तो आप हमारा साथ देंगे कैसे आर्मी से तो ये थी वेरन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी जो बहुत काम आई फिर आता है नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज सब्सिडरी अलायंस ये हमने जब मराठा का वॉर देखा तब भी देखा सिख वॉर देखा जब भी देखा वैसे भी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी बिना वॉर के भी इससे कई स्टेट्स अपने रूल में एक्सपांड किए हैं किसकी पॉलिसी थी ये? लॉर्ड वेलजली की लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल कब तक रहे हैं 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं लॉर्ड वेलेजले इनकी पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की नाउ लेट्स सी इस पॉलिसी के अंदर होता क्या था परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस विदिन हिज टेरिटरीज ठीक है एक अगर किसी भी स्टेट ने मान लीजिए ये एक स्टेट है इसने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया है तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे अपनी एक ब्रिटिश फोर्स को यहाँ पर स्टेशन करेंगे यहाँ पर अब ब्रिटिश की फोर्स रहेगी और ये ब्रिटिश की फोर्स का खर्चा कौन उठाएगा वही राजा वहाँ के राजा मान लीजिए बंगाल ने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया और इस टाइम एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं इस टाइम कोई भी एक्सवाइजेड राजा है यहाँ कर यहाँ के तो ये राजा ही आर्मी का एक्सपेंस उठाएंगे ओके दूसरा ब्रिटिश रेसिडेंट विल बी पोस्टेड इन द कोर्ट एक रेसिडेंट बना दिया जाएगा इस इनके कोर्ट में और वहां पर एक रेसिडेंट को पोस्ट करेंगे अब एक और रोक लगा दी इनने कि जो इंडियन रूलर्स हैं वहां के विल नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और यूरोपियन कंट्री को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे विदाउट दी परमिशन ऑफ कंपनी ऐसा क्यों किया उन्होंने ताकि वो अपना कंपटीशन इंडिया से हटाएं क्योंकि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से उन्हें खतरा था नो वॉर एंड नेगोशिएशन ऑफ ट्रीटी विद विदाउट परमिशन ऑफ कंपनी मतलब आप अगर किसी इंडियन रूलर को वॉर भी करना है या किसी इंडियन स्टेट के साथ ट्रीटी भी करना है तो वो भी हमसे पूछ के करिए आप ओके okay, तो ये था सब्सिडरी अलायंस आगे कई बातें हैं इसमें नो no वॉर ये हमने देखा इन रिटर्न ब्रिटिश विल डिफेंड देयर एम्पायर फ्रॉम एनिमीज इसके बदले जो भी स्टेट ऐसा करेगा इसके बदले ब्रिटिशर्स क्या करके देंगे डिफेंड करेंगे उनके एम्पायर को उनके दुश्मनों से और उनकी जो इंटरनल मैटर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं ठीक है तो क्या देखा हमने सब्सिडरी अलायंस के अंदर याद करते हैं हम एक फोर्स स्टेशन होगी जिसका खर्चा इंडियन रूलर उठाएगा दूसरा दूसरा क्या था एक ब्रिटिश रेसिडेंट वहां रहेगा कोई भी दूसरा यूरोपियन वहां पर एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगा फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि किसी भी स्टेट के साथ अगर इंडियन रूलर को ट्रीटी साइन करनी है या वॉर करना है तो भी कंपनी से पूछ के ही करेगा ठीक है इसके बदले में कंपनी क्या करेगी डिफेंड करेगी दुश्मनों से और कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं करेंगे तो हम देखते हैं कि किन किन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को साइन किया सबसे पहले करता है हैदराबाद 1798 में ठीक है हैदराबाद सबसे पहले करता है फिर मैसूर देखिए आप मैसूर हमने वॉर्स में भी देखा था 1799 में मैसूर सब्सिडरी अलायंस को फिर तंजौर अवध पेशवास अब हमने देखा था कि पेशवास भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ट्रीटी को उन्हें करना पड़ती है पेशवा के बाद रेजिस्ट किया था भोसलेज और सिंधियाज़ ने पर आखिरी में उन्हें भी हरा देते हैं लॉर्ड वेलेस्ली और इन्हें भी ये साइन करनी पड़ती है होलकर्स जो थे वो आखिरी इनकी कॉन्फ मराठा कॉन्फिडरी के कॉन्फिड्रेसी के आखिरी रूलर्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था 1880 में तो इस तरीके से पूरा मराठाज ने कर लिया था मैसूर में हमने देख लिया था हैदर अली की जब डेथ हो जाती है सेकेंड मैसूर वॉर में उसके बाद साइन हो जाता है ऐसे स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन कर देते हैं और अब क्या होता है सब्सिडरी अलायंस के साइन करने के बाद एक तरीके से प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाते हैं ये ओके वे फॉरवर्ड ये जो स्टेप थी सब्सिडरी अलायंस की हम देखेंगे कि ये रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी में भी इसके फीचर्स थे कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया लेकिन ये कुछ बढ़ के थी इसमें और भी फीचर्स जोड़ दिए गए थे अब नेक्स्ट पॉलिसी हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी अब वर्ड्स पे जाइए अब ऐसा डॉक्ट्राइन है जिससे लैब्स हो रहा है स्टेट जो है वो लैब्स होते हैं इसमें लॉर्ड डेलहाउजी की ये पॉलिसी थी ट्रेडिशन ऑफ अडोप्शन हिंदू रूल्स जिस तरीके से हम देखते हैं अडोप्शन का ट्रेडिशन था इसमें कि किसी के पास या किसी की खुद की संतान नहीं होती है तो वो किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि जो अडॉप्टेड सन है वो अपनी पापा की या पिताजी की पूरी राइट्स और प्रॉपर्टीज़ का हकदार रहता है 1848 में लॉर्ड डेलहाउजी बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या करते हैं इन्हें बहुत मौका मिलता है उस टाइम जो सिचुएशन होती है इंडिया की उसका ये फ़ायदा उठाते हैं किस तरीके से ये एनेक्सेशन स्टार्ट करते हैं स्टेट्स का अब आप देखिए वर्ड एनेक्सेशन फाइनली पूरा एनेक्स कर लेते हैं ये स्टेट को ये नहीं कि प्रोटेक्टोरेट बना दिया इंडिपेंडेंसी बिल्कुल छीन लेते हैं उसकी एनेक्स कर लेते हैं स्टेट्स को किस बेसिस पे कर लेते हैं कि अगर कोई स्टेट ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट है और एब्सेंस है मतलब उनका कोई रियल का संतान नहीं है रियल हेयर नहीं है तो वो जो स्टेट है विल बी मर्ज इन टू ब्रिटिश एम्पायर अडॉप्टेड सन अगर आपका है तो वो राजा नहीं बनेगा बल्कि एनेक्स हो जाएगा वो स्टेट ब्रिटिश एम्पायर के अंदर किन स्टेट्स को एनेक्स किया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी के थ्रू ये देखेंगे हम सबसे पहले सतारा 1848 में झांसी और नागपुर को भी करते हैं झांसी की तो कई किस्से हमने सुने हैं रानी लक्ष्मीबाई के नागपुर को करते हैं 1854 में जैतपुर और संभालपुर नाम की जगह को करते हैं 1849 में टोर और आरकोट को आरकोट को 1855 और उदयपुर को ऐसे एट स्टेट्स को लगभग ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी से एनेक्स कर लेते हैं और एक हमने सुना है कि अवध अवध को भी एनेक्स किया जाता है 1856 में पर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट कोई बेकार इल्जाम लगा कर अवध को भी एनेक्स कर लिया जाता है तो आज हमने क्या देखा अभी तक हम वॉर्स देख रहे थे ये हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज देखी हैं ब्रिटिशर्स की फॉर एनेक्जेशन ऑफ इंडियन रूलर्स तो ये हमारी पॉलिसीज़ ख़त्म होती हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन पॉलिसीज़ इन वॉर्स को रजिस्ट किया किनो किन ने पीपल ऑफ़ इंडिया ने जो मेन सफ़रर्स थे मतलब पीजेंट्स, ट्राइबल्स इन लोगों ने किस तरीके से सफ़र किया और आखिरी में इन लोगों ने रजिस्ट किया इस रूल के ऊपर ओके okay, इसको हम देखेंगे आज मैं आपको बता दूँ हम इसके बाद एटीन फिफ्टी सेवन का वॉर देखने वाले हैं इस बीच कुछ चीज़ें हमारी छूटी हैं लाइक गवर्नर जनरल और उनकी पॉलिसीज़ वैसे तो हम लास्ट में करने वाले थे पर अगर मैं लास्ट में आपको सारे गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगी तो आप साथ में लेकर नहीं चल पाएंगे तो फिफ्टी सेवन तक के सारे गवर्नर जनरल्स हम साथ में अब पढ़ने वाले हैं इससे इस आप कनेक्टेड रहेंगे प्लीज़ जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा अगर किसी को प्रिंटेड नोट्स की ज़रूरत है और मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट वी कैन मेक इट अवेलेबल फॉर यू ओके गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज थैंक यू